हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सीमा बाजी और मोनू भाई के हम लोगों ने दावत की हुई थी, तो वो लोग आए हुए हैं घर पे। और उनका ये था कि हमें नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिंपल खाना बनाना, वेज खाना हम खाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने जो है उनके लिए मटर पनीर, और सानिया को जो है बिरयानी पसंद है। वैसे हमेशा सानिया जो है पहले दाल चावल खाया करती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह से वो खाना खाना सीख गई है, तो हमें इस चीज़ की खुशी है कि अब चलो थोड़ा बहुत वो खा लेती है। तो उसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने बिरयानी बनाई और साथ में यहाँ पर वही सारा सैलड वगैरह जो भी था। तो बस इन लोग का यहाँ पे अभी खाना चल रहा है, सर्व कर देती हूँ इन सब के लिए। खाने का टाइम भी हो गया है और यहाँ पर हुरैन देख रही थी मोबाइल, और उसको मतलब किसी से भी मतलब नहीं है। हुरैन का ऐसा रहता है कि बच्चे अगर इनाया और आलिया आ जाती है ना, तब तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो। बाकी अभी थोड़ा सा सूखकर भी उठी थी तो चिड़चिड़ा रही थी, तो यहाँ पर अभी वो बैठी हुई है। देखो अचार पैक कर रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम क्या है वो पिछली बार भेजा था ना, लिख वो अचार वैसे भी बहुत पसंद करती। अब खाते रहना ठीक है। सबके लिए बनाया था नानी ने, नानी कह रही थी। हाँ, वीडियो में देखा था। नानी कह रही थी इसको पसंद है तो उसको भी देंगे हम सानिया को। ठीक, अब कितने दिन तक चलाओगी ये? अरे भैया इतना सारा ये गुड्डी चाचा हो रही है पूरी। वो क्या क्या रही है, मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगी। इतना अचार खा लोगे तुम 3 दिन में? नहीं, सब दीवर्स को बताएगी वो, 3 दिन में अचार खा लेगी। दीवर्स को अचार बहुत पसंद है। सनी दीवर्स ये अचार खा लेगी नंबर वन है। इसको अच्छे तक रहने दो भैया ना। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए एकदम धुआं वाला। पड़ जाता है ना। हाँ। इसको एक पन्नी में करके रख दूँ, सानी पन्नी में। मौसम कैसा हो गया? मौसम ठंडा हो गया, देखो बहुत ठंडा। देखो बाहर पानी बरस रहा। नहीं पानी नहीं बरस रहा, सो रहा था। समझो सुबह से निपटा रही हूँ काम। तो तो गाइस यहाँ पे खाला ने देखो मेरी हेल्प कर दी। यहाँ पे काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे ये खाने पीने के, तो सारे खाला ने धो दिए हैं अब। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। यहाँ पे बन रही है चाय। और शेखू तुम जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं दुकान में। हैं अब कब आओगे? कब आएंगे? तो गाइस अब टाइम आ गया है सब लोग के जाने का, मतलब बाजी मोनू भाई और साथ में हमारी खाला भी जा रही हैं। तो बस भैया इनको लेने के लिए आए हुए हैं, तो बस थोड़ी देर में वो लोग निकल भी जाएंगे। और मम्मी यहाँ पर दे रही थी सीमा बाजी को विदा। सीमा बाजी बोल रही थी कि मुझे क्यों ले रही, तो मैंने उनको ये बताया कि आप भी हमारे घर की मतलब मम्मी की बेटी की तरह ही हो, तो इसलिए मम्मी आपको दे रही हैं और दिए जाते हैं ये चीज़ें। आप लोग क्या होता है या नहीं मुझे बताना, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर तो होता है, सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है, क्योंकि जो भी बेटियाँ होती हैं, जो भी बहनें होती हैं, सबको दिया जाता है। मम्मी भी अपनी सारी जो फर्ज है वो बस वही बोल रही थी कि आंटी क्यों दे रही क्यों दे रही। तो बस यहाँ पर अभी सब कुछ थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं, भैया भी आ गए हैं। और देखते हैं कि क्योंकि सीमा बाजी का ये हो रहा था, हम लोग रोक रहे थे उनको कि आज रुक जाओ कल चले जाना, आज रुक जाओ कल चले जाना, लेकिन वही है ना कि किसी के पास टाइम नहीं है अभी। तो
वही है कि सबको अपना अपना घर देखना पड़ता है। अब खाला भी है, खाला भी सिर्फ एक दिन ही है हमारे पास रुपये, और वो भी मैं जो है सगाई में चली गई थी, उसी भी शाम की भी सगाई हुई थी, मतलब उसी में ही चला गया। तो खाला के पास अच्छे से बैठ उठ भी नहीं पाए हम, और नेक्स्ट डे अभी खाला जा भी रहे हैं, तो खाला के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं हम दे पाए। और पापा के पास बिल्कुल नहीं आए हैं इस बार, बिल्कुल नहीं आए। चल चिंकू चल चल ले जाओ। प्लॉट प्लॉट कार से जा रहे हैं, मैं प्लॉट से। नहीं बस से चलना है, वापस आ जाएंगे। चलो आ जाओ। चलो लेकिन वो आई, अच्छा लगा हमें। और बस यहाँ पर खाला बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी कि मतलब खाला इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई ना कि वो रोने लग गए थे, और उनको देखकर कि मम्मी भी, और फिर मैं भी रोने लग गई थी। जब भी मम्मी रोती हैं या कोई भी किसी को भी रोता हुआ देखती हूँ ना, मतलब बहुत जल्दी मतलब मैं भी रोने लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैं खाला को वही चुप करा रही थी, खाला रो गया भैया चुप हो जाओ। और बस मम्मी वही है कि हमेशा की तरह जब भी कोई जाता तो मम्मी हमेशा यही बोलती कि पहुँच जाना अच्छे से, तब मुझे फ़ोन करना। यहाँ पर अभी भैया लेने के लिए आ गए हैं, तो निकल गए हैं वो लोग। और खाला बोल रही थी कि वो भी चल साथ में ही, क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि साथ में, मतलब खाला ने अभी तक हमारा घर नहीं देखा है, वो किस जगह पे क्या है कैसा है बना है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आप खाला को दिखा देना, तो फिर खाला बोलने लगी कि तुम भी साथ में ही चलो। बाय बाय कर लो। अब वहाँ से मैं चिंकू को ले आ रहा हूँ। हाँ अरे खा ले, उसको दे दे, सेकू खा लेगा। ठीक है अभी भैया आना, प्लॉट पे चलना है जरा। और यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं स्कूटी से, मैं और ये साथ में होरन को भी लेकर के आई हूँ। होरन सो कर ही उठी थी तुरंत, और उसको मैं ऐसे ही उठा कर ले आई। हवा अच्छी चल रही है, सो के उठी थी अभी जस्ट, तुरंत ऐसे उठा लाए हैं हम। देखा खाला भी देख लेंगे ना, खाला आई एक आध बार, कभी नहीं आई ना। साइड में बहू आ गई। आया आया जाइए अपना, जी बेटा जाइए जाइए अपना। अरे इधर नहीं, ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करी इन लोगों ने मेरी। अब गेट गेट खुला है सानी, गेट लगा देने वाला। भाई हमारा गरीब खाना, हाँ हमारे गरीब खाने में आपका स्वागत है। जी बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम दोनों मिक्स हैं। हाँ इंडियन लैट्रिन, हाँ जी तुम्हारा रूम है। हाँ नहीं तुम्हारा पर्सनल, ये तुम्हारा पर्सनल रूम है, टॉयलेट।
रुको, कुछ रूम नहीं है, चलो ऊपर और दिखाओ, चलो हाँ थोड़ा सा आ जाओ, अरे वो चार्जर ले गए, बस यहाँ का व्यू अच्छा लगता है भैया के, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है और यहाँ लोकेशन बहुत शानदार है, हाँ हवा के लिए तो नीचे छोड़ दो, तो कितना अच्छा लग रहा है, एसी वीसी सब फेल है इसके आगे, बंद कर गए थे, मतलब कितने सांस लेने अजीब सा लग रहा था, नहीं कहीं से नहीं दिखेगा, तब देखिएगा, देखो मुन्नू एक जेब फिटिंग करवाई पाइप की, देखो प्रेशर के लिए तो पानी गिर रहा, काला बादल हो रहा, ये टंकी वही वाली सिपरी वाली, अच्छा बढ़िया, दो लाया था एक बाइट वाली और एक स्टोर रूम बना गया, आप कुछ भी रख लो, अलमारियां तो अच्छी रहती है, सही है ना, हां स्टोर रूम है, हां चलो 6 बजे चलो चलो, हंसी ना ये 3 चार टंके पानी दे दो, हंसी का आ रहे हो, इस तरफ जासी है, इस तरफ है जासी, इस तरफ है जासी, इस तरफ है, हां अच्छा लगा, कैसे लगा, कंप्लीट हो गया ना, शायद और अच्छा लगेगा, अभी मोनू भाई एक नंबर बनवा है, कैसा लगा थोड़ा सा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मैं सबके लिए जगह है मुन्नू भाई में घर है, कंप्लीट का हो यार, अच्छा दिल में जगह है जिसके, हां बोलो बोलो, आगे का पूरा नहीं बोलो, अरे आगे क्या है, ये किसे कहना चाहती, दिल में जगह है घर में क्या, घर क्या चीज है, घर क्या चीज है, दिल में होनी चाहिए, दिल में जगह होना चाहिए, अरे आज भाई तो प्लान किया था ना, हाँ नहीं प्लानिंग तो वही थी ना कि सुबह करेंगे, हम मोनू भाई अब तुम्हारे दो दो घर हो गए इधर, एक समता का घर हो गया, एक मेरा घर हो गया, दो दो घर तुम्हारे हो गए, हाँ बस दिल में तो है ही, सुबह आया करेंगे शाम के इधर, हाँ पैदल ही आया करूँगी, बगल में तो है, नहीं चिंतु ये तो जा रहे हैं हमें ताला, बना लिया ठीक है, बाय अल्लाह हाफिज, अरे ये सुसु कर लिए हैं।